हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू द डॉल्फिन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आसिन। मैं हेमराज सोनी। बच्चों, आज अपन क्लास 7th की मैथमेटिक्स लेसन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने जा रहे हैं। ये बुक है आपके एक्सरसाइज 1.2, पेज नंबर आपके हैं बच्चों 12, पेज नंबर 12। तो बच्चों, इसके अंदर क्या है जो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है। अपने को मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 6 × -12। देखो बच्चों, आप 7th क्लास में हैं और सिंबल्स जो है उनका मल्टीप्लिकेशन आपको मैंने बताया था, और नहीं बताया तो एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे प्लस को प्लस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस आता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस आएगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस आएगा। इसको बोला ऐसा जाता है प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। वंस अगेन, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। ये आते कहाँ काम है? देखिए बच्चों, अपने को 6 को -12 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का ये रूल्स रहता है बच्चों कि कभी भी किसी भी सिंबल को मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, किसी भी सिंबल को, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले उसके सिंबल को मल्टीप्लाई किया जाता है। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से पहले उसके सिंबल को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसमें, जैसे 6 को -12 से मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चों ये जो 6 है इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब इसके आगे प्लस है। 6 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 6 के आगे प्लस है। पहले प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, ये रहा बच्चों प्लस माइनस माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 12 6 या 72, ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड है -1 × -5 × -7 × -2। इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4, फोर टर्म्स है, इनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, हाउ एक्सप्लेन, बोलो भाई। पहले बच्चों 2 2 पेयर बना लेना है, तो और अब पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से पहले सिंबल को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। बेटा बोला कर, तुम बोल जाएगा ठीक है। हाँ, माइनस माइनस प्लस, 5 बन गया 5, फिर इंटू लगाओ, इधर भी माइनस माइनस 7 × 2 = 14। ये इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे। अब 14 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 14 × 5 = 70, ये ऐसे आंसर आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड है 6 × -5 × -5 × -2। ये भी इसके जैसा ही है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई बताओ। हाँ बेटा, पहले दो दो के पेयर बना लो, अब करो मल्टीप्लाई। 6 के आगे प्लस है, 5 के आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 6 5 = 30, और इसको ब्रैकेट में बना लेना।
इनटू माइनस माइनस प्लस 5 2 जै 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? माइनस प्लस माइनस 30 को 10 से किया 300, जैसे 3 1 जै 3, 1 2 1 2 0, ये आंसर आ जाएंगे। इस प्रकार इनको मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आपको समझ में आया होगा, सेकंड आ गया समझ में, ये थर्ड। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार देखिए आप, ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, इनको रहने देता हूँ मैं, थोड़ा सा ये गंदा नजर आ रहा है, इसको सही कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, और ये बना लेते हैं टेबल। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4, 0 × 192 इंटू -32। बच्चों 0 को 192 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है। तो 0 को 192 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर जो 0 आएगा उसको -32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी 0, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसके अंदर फिफ्थ बोल रहा है 20 × -123 −5। तो बच्चों क्या करेंगे, 1 2 3 का मल्टीप्लीकेशन है, आप चाहे तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, चाहे तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें, कैसे भी हो सकता है, चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें। अच्छा 20 × हाँ, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे बच्चों? माइनस माइनस प्लस, जैसा मैंने आपको बार बार बताया है कि नंबर से पहले आपको सिंबल मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं। 5 3 जै 15, कैरी 1, 5 2 जै 10, 10 प्लस 1 11, कैरी 1, 5 1 जै 5 प्लस 1 6, और सिंबल प्लस का है तो प्लस का लिखा नहीं जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करो, दोनों प्लस के हैं तो प्लस 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 ही आएगा। ये 0 यहाँ रहने दीजिए, 2 5 जै 10, कैरी 1 2 1 जै 2 प्लस 1 3, 2 3 जै 6, 6300, इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा इसका एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6। ये बच्चों मैं आपके ऊपर ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, ये जो है इसका जो HW क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आप इसके अंदर करके बताएंगे। 6 क्वेश्चन हैं, ये सारे आप करके बताएंगे। मैं आपको आगे बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर चलते हैं, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन प्रोडक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ले रहा हूँ, ये अपने को दिया हुआ है 3276 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3276 मल्टीप्लाई बाय 2। कैसे करेंगे बताओ भाई? बेटा जब पूछो जब बोल दिया कर। हाँ क्यों बेटा, बीच में माइनस आ रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। देखो बच्चों, आप अगर ये सोच रहे होंगे पहले, जैसे पहले माइनस और अगर मल्टीप्लाई आ जाए ना, तो बच्चों पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, पर इसमें भी गौर से देखिए, ये 2 टर्म हो गई, जैसे इंटू है तो ये पूरा पूरी एक टर्म कहलाएगी, और ये अनदर टर्म हो गई, बीच में माइनस आ रहा है। तो बच्चों गौर से देखो, इसमें 3276 दोनों में कॉमन कॉमन है, ये दोनों में आ रहा है। देखो माइनस है ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, दोनों टर्म में 3276 है नहीं है?
तो बच्चों इसको ऐसे कॉमन ले लो, इसको इस वे से करेंगे, 3 2 7 6, अब ब्रेकेट बना लो। अब बच्चों क्या होता है, जब ऐसे दोनों में से होता है जब उसको कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने के बाद क्या किया जाता है बच्चों, डिवाइड किया जाता है। कॉमन लेने के बाद डिवाइड करेंगे, जैसे कल्पना करो इमेजिन देख, इसमें इसका डिवाइड दिया, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 रह जाएगा, माइनस। अब इसमें भी इसका डिवाइड करेंगे, तो जब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा, ये ब्रेकेट हो। बच्चों एक बार और बताता हूँ मैं, ये चाहे तो ऐसे भी हो सकता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को माइनस कर लो। बट बच्चों ऐसा नहीं करना है अपने को। देखिए 3276 इसमें भी है और ये इसमें भी, देखिए बच्चों 3276 3276। तो अपन क्या करेंगे, 3276 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। अब क्या होगा, इसमें इसका डिवाइड करते हैं तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाता है, 3 रह जाएगा, माइनस ये से कैंसिल, 2 ब्रेकेट ऑफ इज इक्वल टू 3276 इंटू 3 में से 2 माइनस किया, 1। अब 3276 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3276 इज द आंसर, ये इसका आंसर होगा और ये आपके पैटर्न है। इस तरीके से आपको सोल्व करना है, इस मेथड के आधार पे आपको सोल्व करना है। जैसे इसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर सेकंड और है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, 8964 इंटू 1 प्लस 99 इंटू 8964, कुछ समझ में आया होगा बच्चों। देखो ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 99 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो रिजल्ट है इसको प्लस कर दिया, तो भी आंसर आएगा, आएगा ना। पर एक सेकंड मेथड, एक मैंने आपको ये वाला मेथड बताया, इस मेथड के आधार पे हो रहा है। कैसे, देखो 8964 इसमें भी है, 8964 इसमें भी है, तो क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे अपन, ये थे 8964 कॉमन आ जाएगा। तो बच्चों इसमें क्या होगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 रह जाएगा, प्लस ये से कैंसिल, 99 ब्रैकेट। अब आपको क्या करना है, 8964 मल्टीप्लाई 99 और 1 को प्लस कर लिया, 100। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, आता है 100 से मल्टीप्लाई करना, ये ऐसे करेंगे 8964 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8964 और 00 00, ये आंसर आ जाएगा बच्चों। इस प्रकार से आपको, इस मेथड से आपको सोल्व करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड मैंने बताया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको सोल्व करना है। और इसका जो HW है व्हाट्सएप पे आप पिक जो है उसको आप सेंड कर देना, इसकी पिक लेना है, उसके बाद सेंड कर देना व्हाट्सएप पे HW का। अपन अब जो है अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं, इसके अंदर क्या कह रहा है जो देखिए, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। बच्चों अपने को वेरीफाई करना है, वेरीफाई यानी प्रूव करना है कोई चीज। अब क्या प्रूव करनी है, ये देखिए आप थर्ड का फर्स्ट में बता रहा हूँ आपको, 323 इंटू ब्रेकेट 7 प्लस राउंड ब्रेकेट माइनस 2 फ्लोर ब्रेकेट। इक्वल टू 23 इंटू 7 प्लस
23 इंटू माइनस की 2, इसको वेरीफाई करना है। बच्चों मैंने आपको पहले कॉमन, इससे जो पहले वाला जो सेकंड वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको कॉमन लेके बताया था, और मैंने उसको इससे पहले ये भी बोला था कि इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों को माइनस करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। अपने को ये वेरीफाई करना बच्चों कि इसकी जो वैल्यू निकालेंगे सेम टू सेम इसकी वैल्यू निकलेगी, यानी ये जो बीच में इक्वल लगा हुआ ना, नजर आ रहा है इक्वल, इक्वल के इधर वाली टर्म ये एलएचएस टर्म कहलाती है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ये आरएचएस टर्म कहलाती है राइट हैंड साइड। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जानी चाहिए, तब आपकी ये प्रूव हो जाएगी। अब देखिए कैसे क्या करेंगे, जो देखना बच्चों, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ एल एस एस इज इक्वल टू एल एच एस, बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला कैसे 23 इंटू 7 प्लस माइनस की 2, ये आपके फ्लोर ब्रैकेट। तो बच्चों इसके अंदर पहले आप ये जो राउंड ब्रैकेट है पहले इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद जो फ्लोर ब्रैकेट उसको सोल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऐसे कैसे बता रहा हूँ मैं, 23 इंटू फ्लोर ब्रैकेट 7 प्लस माइनस माइनस 2 फ्लोर ब्रैकेट ऑफ इज इक्वल टू 23 इंटू 7 माइनस 2 5, इसको ऐसे लिख दीजिए ब्रैकेट ओपन करके, 23 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 115, ये आपके एलएचएस की वैल्यू है। जब अपन ने इस एलएचएस को सोल्व किया है उसकी वैल्यू ये आई है। अब अपने को बच्चों इसके नीचे लिखना है आर एच एस इज इक्वल टू, क्या है आर एच एस एक बार देख लीजिए, 23 इंटू 7 प्लस 23 इंटू माइनस 2। बच्चों अब इसको ऐसे, अब बच्चों जैसे पहले मैंने बताया था इसमें 23 कॉमन आ रहा है वो चीज वैसे नहीं करना है, क्योंकि अपने को करना है वेरीफाई इसको सोल्व करने चाहे इसको सोल्व करते हैं तो आंसर सेम आता है। तो अपने को बच्चों पहले 23 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे 7 3 जा 21 कैरी 2 7 2 जा 14 प्लस 2 16। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना तो पहले सिंबल मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 23 2 जा 46, अब 161 में से 46 माइनस कर लीजिए 115 आएगा। तो देखिए बच्चों जो एल एच एस की वैल्यू आई वो भी 115 है, आर एच एस की वैल्यू 115 है, तो नीचे आपको ये देना है कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस एच पी। इस प्रकार से बच्चों आपको वेरिफिकेशन करना है एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये है आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का जो फर्स्ट था ये मैंने समझाया है, सेकंड आपको सोल्व करना है, आपको सोल्व करके बताना है। और उम्मीद है आपने बुक खरीदी होगी, नहीं खरीदी है तो तुरंत आप बुक लीजिए और अपनी जो स्टडी है वो कंप्लीट कीजिए। तो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर फोर, डिटरमाइन द इंटीजर हूज प्रोडक्ट विद माइनस वन, ये कह रहा है वह इंटीजर पता लगाओ जिसको माइनस वन से इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पर वो प्रोडक्ट आ जाए। डिटरमाइन द प्रोडक्ट, अपने को डिटरमाइन द इंटीजर, अपने को वो इंटीजर पता लगाना है कि इसका प्रोडक्ट विद माइनस वन, कि भाई माइनस वन के साथ अगर इसको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें वह इंटीजर बताना है, अर्थात वह नंबर बताना है इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पर 23 आ जाए, वह नंबर बताना है इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 47 आ जाए। जैसे बच्चों एक बात बताता हूँ, इसको क्वेश्चन समझने से पहले एक क्वेश्चन समझते हैं, जैसे 5 है इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आएगा, थोड़ा ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस माइनस 5 बन जाए 5, यानी कि ये जो माइनस फाइव है
ये ऐसा नंबर है जिसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पर माइनस फाइव आया, अर्थात अगर मैं आपको बोलूं कि वह इंटीजर पता लगाओ जिसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट माइनस फाइव आ, वह इंटीजर बताओ जिसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट माइनस फाइव आ, तो क्या आएगा वह इंटीजर यहाँ पे? फाइव आएगा। अच्छा एक और, माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करना है माइनस वन से, तो माइनस माइनस प्लस थ्री, प्लस का थ्री आएगा। अब मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। और अब मैं आपको बोलूँ ऐसा नंबर बताओ जिसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पर थ्री आ जाए, ऐसा नंबर बताओ जिसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पर थ्री आ जाए। किससे मल्टीप्लाई किया? माइनस थ्री। अर्थात देखिए जो रिजल्ट आ रहा है कि माइनस फाइव है, इधर देखिए प्लस फाइव आ रहा है, यहाँ थ्री है तो इधर देखिए माइनस थ्री आ रहा है। इसी प्रकार अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसा इंटीजर बताओ, ऐसा इंटीजर बताओ जिसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट 23rd आ जाए, तो क्या होगा बताओ वो इंटीजर? वो इंटीजर बच्चों माइनस के 23rd होंगे। इसका सिंबल चेंज करके लिखना बस, यानी कि किसी भी नंबर को माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पर उसका सिंबल चेंज हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे फाइव को माइनस वन से मल्टीप्लाई करो, फाइव को माइनस वन से मल्टीप्लाई करो माइनस फाइव, टेन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करो माइनस टेन, इलेवन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करो माइनस इलेवन, ट्वेल्व को माइनस वन से मल्टीप्लाई करो माइनस ट्वेल्व। चलो बच्चों, अच्छा -47 है, इसका क्या आंसर आएगा? प्लस का 47। 47 वह नंबर है जिसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पर -47 आएगा। अच्छा जीरो को, इसका तो रिजल्ट जीरो ही आना है, बिकॉज जीरो को जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जीरो ही आ जाएगा। यह आपके इसमें आंसर। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, यूजिंग कॉन्वीनियंट ग्रुपिंग इवेलुएट। अपने को इनका जो ये देखिए थ्री नंबर है, अब आप चाहें तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, फिर जो रिजल्ट आए उसको इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपको एक ग्रुप बनाना है, और उस ग्रुप को आपको जैसे इसमें दो का ग्रुप बना के मल्टीप्लाई करेंगे, और उसको थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आपके लिए मल्टीप्लाई ईजी हो जाए, जैसे कि अगर मैं कहूँ आपको कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो अगर ना आप 19 की टेबल आपको नहीं आती है तो फिर आपको रफ्ते इससे जाना पड़ेगा, या फिर 19 साइज जो 45 आ गया तो 45 को 60 से मल्टीप्लाई करने के लिए रफ्ते इससे जाना पड़ेगा। आपको ऐसा ग्रुप बनाना है इसमें दिमाग लगा के कि आपके मल्टीप्लाई ईजी हो जाए। जैसे कि मैं बना रहा हूँ इसका ग्रुप, ये -5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले -60 से, इसको इधर लिख दिया और इंटू कर देंगे 19। ये ऐसे कर लिया बच्चों, -5 -60 को आगे लिख दिया, 19 को पीछे लिख दिया, उससे क्या होगा? इससे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आपके कॉन्वीनियंट ग्रुपिंग हो गई इसकी। अब इसमें करेंगे देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 6 क्या 30, और ये 0 का 0, और इंटू कर देंगे 19। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी हो गया, 19 3 57 00, ये 00, ये देखिए बच्चों। तो इस प्रकार से आपको ग्रुपिंग करनी है। एक बार और बता देता हूँ मैं क्या करना है, अपने को इन तीन में से टू नंबर की ग्रुपिंग करनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है ताकि अपना जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा इजी हो जाए। इसलिए क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो 19 को पहले लिख लें इंटू -60, ऐसे भी कर सकते हैं इंटू -5, इसको पीछे लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अपने को इससे मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 19 इंटू माइनस माइनस प्लस, 6 5 30, 0 की 0, अब इसको कर लो 19 3 57, 00 के 00, ये आपके आंसर आ जाएंगे बच्चों। आपको इस प्रकार से सोल्ड आउट करना है। अच्छा इसका एक क्वेश्चन में और समझा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसमें कैसी ग्रुपिंग करेंगे, 25
इंटू 31 इंटू माइनस के 4। तो आपको पता है बच्चों कि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 100 आता है, तो अपने को इसकी और इसकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। समझ तो में आ रहा है? ये से चाहे तो माइनस 4 को आगे ले लो, इंटू 25 इंटू 31। अब आप इसमें देखिए, ये पेयर बनाया 25 4 गया -100, बिकॉज या माइनस है या प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 100 इंटू आ जाएगा बच्चों 31। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस 31 वन गया 31 और 2 0 की 2 0, ये आपके आंसर आ जाएगा बच्चों, ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस प्रकार से आपको ग्रुपिंग बनानी है और सोल्व करना है। इसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चन हैं, आपको मैंने ये 2 क्वेश्चन बताए हैं और रिमेनिंग क्वेश्चन आपको SW में करने हैं। व्हाट्सएप पे पिक भेज देना, उसके बाद आप सोल्व कर लेना। तो बच्चों मैं आज यहाँ तक 1.285 क्वेश्चन नंबर 4, 5 यहाँ तक मैं आपके स्टॉप करता हूँ, और उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। बहुत शांति से समझाए हैं मैंने, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं या ग्रुप के अंदर आप लिख के भेज दीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम डेफिनेटली, बट यू हैव टू डू होमवर्क। SW आपको SW करना पड़ेगा। धन्यवाद बच्चों।